हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय वीडियोस। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है गेट रेडी विद ममअर्थ मेकअप, जो कि होने वाला है एकदम क्विक वाला मेकअप लुक, जिसे आप ऑफिस के लिए कर सकते हो, शॉपिंग के लिए कर सकते हो, मूवी के लिए कर सकते हो, या फिर डेट के लिए कर सकते हो, या फिर आप इस मेकअप को डेली बेसिस पे कर सकते हो, क्योंकि जो ये मेकअप है एकदम क्विक हो जाता है। इसे आप नो मेकअप लुक भी कह सकते हो। सो आज ये वाला मेकअप मैं आपको करके दिखाऊंगी कि ये फटाफट से कैसे हो जाता है सिर्फ दो प्रोडक्ट को यूज करके। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस कि आज मैं आपको बताऊंगी क्विक वाला मेकअप लुक, जो कि दो प्रोडक्ट यूज करने से हो जाता है और मैंने अभी किया हुआ भी है, जो कि बहुत ज्यादा नेचुरल लगता है। इसे आप नो मेकअप मेकअप लुक भी कह सकते हो। और जो दो प्रोडक्ट मैं यूज करने वाली हूँ ना गाइस, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ममअर्थ के वो प्रोडक्ट हैं। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि ममअर्थ के प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा अच्छे होते हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो एकदम नेचुरल होते हैं, तो मैं काफी ज्यादा यूज करती हूँ ममअर्थ के प्रोडक्ट्स का। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है गाइस वो है ममअर्थ का हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम। इसमें आपको 3 शेड मिल जाएंगे, वनीला, पीच एंड हनी। एंड गाइस, ममअर्थ का हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट एंड हाइड्रेटिंग है, स्किन में क्विकली ऑब्जर्व हो जाता है बिना किसी एफर्ट के। आपको बिल्कुल भी मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको ब्लेंड करने के लिए, ये इजीली आपके स्किन में ब्लेंड हो जाता है, अच्छे से मर्ज हो जाता है और सेम टू सेम आपकी स्किन टोन का ही लगता है। अभी मैंने मेकअप किया हुआ है, आप देख सकते हो ये मेरी स्किन में इतने अच्छे से मर्ज हो गया है कि पता ही नहीं चलता है कि आपने कुछ स्किन में लगाया भी है। आपको एकदम नेचुरल फिनिश देता है, साथ ही साथ में आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग लगती है, स्किन को बिल्कुल भी ऑयली नहीं करता है। इसका फॉर्मूला ऑयल फ्री फॉर्मूला है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो इसकी कवरेज है गाइस, वो एकदम आपको नेचुरल कवरेज मिलेगी, ना तो ज़्यादा हाई है और ना ही बहुत ही कम है। मतलब आप देख सकते हो मैंने इसको अपने फेस पे लगाया हुआ है, आपको बस ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन हेल्दी लग रही है इसको लगाने के बाद। तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है स्किन में, एकदम नेचुरल लगता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जैसे कि गाइस इसमें विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड है। विटामिन सी हमारी स्किन को ब्राइट करता है एंड हमारी स्किन इवन टोन करता है। एंड गाइस, जो हाइलुरोनिक एसिड है वो डीपली स्किन को मॉइस्चराइज करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बिल्कुल भी ड्राई एंड पैची नहीं लगती है। तो काफी ज्यादा अच्छा है विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक का कॉम्बिनेशन, जो है बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट, प्लम्पी एंड ब्राइट भी कर देता है। एंड गाइस, ममअर्थ के हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम में बिल्कुल भी कोई भी टॉक्सिन हार्मफुल केमिकल नहीं है, इसीलिए ये एवरीडे बेस के लिए एकदम सेफ है। तो आप इसको एवरीडे बेसिस पे यूज कर सकते हो। आप कहीं भी जा रहे हो, आपको एकदम क्विक मेकअप करना है, तो आप इसको जरूर यूज करना, बहुत ज्यादा अच्छा है। स्किन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि आपने कुछ लगाया हुआ है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। और मैं क्या ही बताऊं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसके बारे में, तो काफी ज्यादा अच्छा है। अब मैं आपको इसको यूज करके भी दिखा देती हूँ। तो ममअर्थ का हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम की आपको पैकेजिंग बाहर से कुछ इस टाइप की रिसीव हो जाएगी, ठीक है, जिसमें सब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। एंड अंदर से आपको ये राउंड ग्लास बोतल में रिसीव होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट है। एंड इसमें आपको गाइस एक ड्रॉपर रिसीव होगा, जिसकी मदद से आप सीरम को अप्लाई कर सकते हो, सीसी सीरम को अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको 3 शेड मिल जाएंगे, वनीला, पीच एंड हनी। तीनों ही शेड इंडियन स्किन टोन वालों को जाते हैं। एंड मैं तीनों ही शेड आपको स्वॉच करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले जो शेड यूज़ कर रही हूँ वो है वनीला, आप देख सकते हो ये फेयर स्किन वालों को बहुत अच्छे से सूट होता है। सेकंड है गाइस इसमें पीच, जो कि मेरी जैसी फेयर टू मीडियम स्किन वालों को अच्छे से सूट होता है। थर्ड है हनी, जो कि थोड़ी सी मेरे से अगर डार्क स्किन है तो उन पर बहुत अच्छे से सूट होगा। तीनों ही शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और हर एक इंडियन स्किन टोन को सूट हो जाते हैं। सो मेरा शेड है जो इसमें वो है, जैसे मैंने आपको बताया, पीच शेड, और बहुत ही अच्छे से मुझे सूट होता है। तो मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले शेक कर लूँगी ताकि सीरम अच्छे से मिक्स हो जाए सीसी सीरम में। एंड इस तरीके से फिंगर की मदद से लगा रही हूँ अपने पूरे फेस पे। सो गाइस, ये आपको नेचुरल ग्लो देगा, मेड सेफ है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड नॉन ऑयली है, हाइड्रेटिंग भी है, वाटर रेसिस्टेंट भी है, डर्माटोलॉजी के लिए द्वारा टेस्टेड। तो गाइस, आप दोनों तरफ डिफरेंस तो देख ही रहे होंगे। एंड अब दूसरी तरफ भी मैं इसे लगा लेती हूँ। आप चाहो तो इसे फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो, चाहो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगता है स्किन में। थोड़ा सा मैं ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर लेती हूँ, इससे और भी ज़्यादा नेचुरल फिनिश आती है। तो आप देख सकते हो गाइस, ये स्किन में कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है और हाइड्रेटिंग भी लग रहा है, तो विंटर के लिए एकदम परफेक्ट है। सो आपने देखा गाइज, ये किस तरीके से स्किन में ब्लेंड हो रहा था और इसकी जो कवरेज है एकदम मुझे नेचुरल मिली है। आपको दिख ही रहा होगा देखने से, सामने से, कि एकदम मेरा फेस नेचुरल लग रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, लग ही नहीं रहा है कि मैंने फेस पे कुछ लगाया है। एंड आपने देखा मैंने कोई भी पाउडर यूज़ नहीं किया, कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ इसको यूज़ किया और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरा फेस यहाँ पे। उसके बाद गाइज, आप देख रहे हो यहाँ पे
मेरे आईज़ पे, चीक्स पे एंड लिप्स पर भी टिंट है। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे ममअर्थ का नरिशिंग नेचुरल लिप चीक एंड आई टिंट। ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके के हैं। आपको इसमें 3 शेड मिल जाएंगे। ये जो पहला शेड है गाइस वो है 01 बीट रेड, सेकंड शेड आपको मिलेगा 02 कोको न्यूड एंड थर्ड जो आपको मिलेगा गाइस वो है 03 रोज पिंक। तो ये तीनों ही शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं जिसको आप अपनी आईज़ पर, अपने चीक्स पर एंड अपने लिप्स पर लगा सकते हो नेचुरल लुक के लिए। तो गाइस जो ये टिंट है ना, ये मल्टीपर्पज़ टिंट है। ये आपके स्किन में बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है आपकी स्किन में। और इसमें गाइस विटामिन सी है जो कि आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। और ये जो टिंट है ना गाइस, ये मल्टीपर्पज़ टिंट है जिसको आप अपनी आईज़ पर लगा सकते हो, अपने लिप्स पर एंड अपनी चीक्स पर लगा सकते हो। सो ये ना बहुत ही आसानी से स्किन में ब्लेंड हो जाता है और काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है और एकदम नेचुरल सी फिनिश देता है, एकदम नेचुरल सा ग्लो लगता है इसको लगाने के बाद स्किन में। इसमें आपको अलग अलग ना इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। एक इंग्रेडिएंट्स इसमें सेम है जो कि है विटामिन सी, एंड विटामिन सी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, जो कि हमारी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, साथ ही साथ में हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। तीनों ही शेड में ना विटामिन सी तो सेम है बट इंग्रेडिएंट्स अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ गाइज यहाँ पे बीट रेड की। जो ये बीट रेड है ना, इसमें बीट रूट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के बेनिफिट हैं। एंड सेकेंड आता है गाइज कोकोआ बटर। तो कोकोआ बटर में कोको है गाइस जो कि आपके स्किन को नरिश बनाने में मदद करता है, मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड कराता है आपकी स्किन में। एंड थर्ड है गाइस मेरे पास यहाँ पे रोज पिंक, जिसमें आपको रोज पेटल मिल जाएंगे जो कि एंटी एजिंग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तीनों ही अपने अपने में बेस्ट हैं। आप कोई सा भी शेड ले सकते हो, चाहे तो आप तीनों शेड ले सकते हो। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे ये शेड भी। एंड अब फटाफट से मैं आपको इनको यूज़ करके भी दिखा देती हूँ और इनका पिगमेंट भी आपको दिखा देती हूँ, हैंड स्वॉच भी करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस ममअर्थ का नरिशिंग नेचुरल लिप चिक एंड आई टिंट की पैकेजिंग आपको कुछ इस टाइप की रिसीव होगी, जिसमें कि विटामिन सी है। एंड इसका जो प्राइस है गाइस वो 399 रुपीज़ है। एंड इसमें आपको 3 शेड मिल जाते हैं जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे शेड है, जिसको आप अपनी आईज पे, चीक्स पे एंड लिप्स पर लगा सकते हो। तीनों ही शेड आप देख सकते हो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। ये क्रीमी मैट है, लॉन्ग लास्टिंग है, मेड सेफ है, इजी टू ब्लेंड है, डर्मेटोलॉजिकली द्वारा टेस्टेड है। तो फर्स्ट शेड में स्वॉच कर रही हूँ बीट रेड, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दूसरा है कोको न्यूड एंड थर्ड है मेरे पास रोज पिंक। तीनों ही शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी नेचुरल लगते हैं हमारी स्किन में। सबसे पहले मैं लिप्स पर लगा रही हूँ बीट रेड एंड उसके बाद मैं अपनी आईज पे लगा रही हूँ कोको न्यूड, जो कि आई शेडो का बहुत ही अच्छे से काम करता है। एंड थर्ड मैं लगा रही हूँ अपने चीक्स पर रोज पिंक, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हो गाइस ये कितनी ईजिली ब्लेंड हो रहा है मेरी स्किन में। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे शेड है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आप देख सकते हो गाइस 2 मिनट के अंदर अंदर ये मेकअप हो गया है दो प्रोडक्ट्स को यूज़ करके। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप मुझे कॉमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड इस विंटर सीजन में मुझे बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होगी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग एंड नेचुरल लगता है। तो गाइज आपने देखा ये स्किन में कितनी आसानी से ब्लेंड हो रहा था और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये टिंट आपको क्रीमी मैट मिलेंगे, साथ ही साथ में ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एंड इजी टू ब्लेंड है, बहुत ज़्यादा नेचुरल लगते हैं, मेड सेफ है एंड डर्मेटोलॉजिकली द्वारा टेस्टेड है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं गाइज, आप इन टिंट में कोई सा भी टिंट यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी टिंट परचेज कर सकते हो। तीनों ही टिंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड आपने देखा गाइज मैंने सिर्फ ये लगाया, साथ में मैंने हल्का सा मस्कारा लगाया अपनी आईज पे एंड मस्कारे को ही मैंने अपनी आईब्रोज पे लगाया एंड दैट्स इट। 3 स्टेप किए मैंने एंड 3 स्टेप में मेरा जो मेकअप है आप देख सकते हो एकदम नेचुरल लग रहा है। ऑफिस जाने के लिए, डेट पे, मूवी के लिए, शॉपिंग जाने के लिए, डेली बेसिस पे अगर आप मेकअप करते हो तो आपके लिए गाइस ये प्रोडक्ट एकदम बेस्ट रहेंगे। आप देख सकते हो गाइस कितने ज़्यादा नेचुरल लग रहे हैं ये स्किन में। तो ममअर्थ के प्रोडक्ट है ना गाइस, मेड सेफ है, सर्टिफाइड सेफ है और सारे के सारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसमें कोई भी टॉक्सिन एंड हार्मफुल केमिकल नहीं है। एवरीडे बेसिस पे यूज़ करने पे ये बहुत ही ज़्यादा सेफ हैं। तो गाइस ये प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं नायका पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पर और इनकी साइट पर और नियर स्टोर पर भी आपको कहीं भी मिल जाएंगे। ममअर्थ के जो प्रोडक्ट है ना हर जगह पे अवेलेबल हैं, तो आपको ढूंढने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। एंड इनकी साइट से मैं आपको एक कोड
प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे कि आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा कोड है यहाँ पे THP2024, इससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा ममा अर्थ की साइट पर, और जगह से नहीं, ठीक है। तो ममा अर्थ की साइट से आप इसको परचेज करोगे तो ही 20% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो या यही था गाइज आज का वीडियो, आज का रिव्यू छोटा सा, जो कि मैंने ममा अर्थ का हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम एंड ममा अर्थ का नरिशिंग नेचुरल लिप चिक एंड आई टिंट का रिव्यू दिया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है डेली बेसिस के लिए, एवरीडे मेकअप के लिए, नो मेकअप मेकअप लुक के लिए, क्विक मेकअप के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चाहो तो आप इसे किसी भी फेस्टिव में भी कर सकते हो ऐसा मेकअप, अगर आपको एकदम नेचुरल मेकअप चाहिए, चाहे तो आप वेडिंग में भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। थोड़ा सा वेडिंग में जाने के लिए आई मेकअप थोड़ा सा हैवी कर लो, बाकी बेस एकदम परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और गाइज जब भी आप उनसे ख़रीदारी करते हो तो ममा अर्थ वेबसाइट पर आपके ऑर्डर को उस पेड़ से लिंक कर देगा जो वो लगाते हैं। 2025 तक ममा अर्थ 1 मिलियन पेड़ लगाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। सो या अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया होगा इसका रिव्यू अच्छे से। तो अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू सो मच गाइस, बाय।